कोटरा इलाके की बैरवा बस्ती और आसपास के क्षेत्र में चार चार दिन बाद पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बिसलपुर बांध में पर्याप्त पानी होने के बावजूद अजमेर के हिस्से का पानी जयपुर भेजकर अजमेर के नागरिकों को प्यासा रखा जा रहा है। सरकार की हठधर्मिता और विभाग की कारगुजारी अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जलदाय विभाग की लापरवाही और लचर सप्लाई व्यवस्था के कारण आम आदमी पानी जैसी मूलभूत सुविधा को भी तरस रहा है। लोगों ने वीर तेजाजी सर्वधर्म विकास समिति के बैनर तले अध्यक्ष पूनम चंद के नेतृत्व में फवारा सर्किल स्थित जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए पेयजल सप्लाई नियमित करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। ऑफिस की स्थिति है, एक जिम्मेदार अधिकारी कोई है ही नहीं। टेलीफोनिक बात हुई तो वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये मेरी मैंने 72 घंटे में सप्लाई की है, जबकि हकीकत ये है कोटरा क्षेत्र में 100 घंटे से ज्यादा हो गया पानी सप्लाई नहीं हुई। पिछले संडे को सप्लाई हुई थी जिसको आप काउंट करेंगे तो आज गुरुवार को 100 घंटे से भी ज्यादा हो गया, जिस वजह से पब्लिक परेशान होकर आज यहाँ इनको आगाह करने आएगा। अगर आपने समय पर सुचारू व्यवस्था नहीं करी तो मजबूरन यहाँ पे धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। सिर्फ अभी हमने आगाह किया है। अधिकारी का टाइम तो मेरे ख्याल से 9:30 बजे से है और हम यहाँ 11:30 आए हैं, 11 से आधे घंटे यहीं पे हैं, 11:30 आए हैं, कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अधिशासी अभियंता एसएल जिनगर ने आज शाम तक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने का आश्वासन दिया। पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है, उनको 72 घंटे होने आ रहे थे इसलिए वो मिलने आए थे कि सर पानी कब आएगा, तो उनको आज शाम को हम सप्लाई दे देंगे। अभी गोयला और नसीराबाद के बीच में सीमेंट की जो पाइपलाइन है 1500 mm की PSCC की, उसमें कोई लीकेज हो गया था, वहाँ काम चल रहा था, उस कारण थोड़ा सा पानी कम आया है। आज शाम को सप्लाई हो जाएगी और कल से नॉर्मल हो जाएगा। दिसंबर 2015 में पानी का कनेक्शन लेने के बाद दिल्ली गेट पर रहने वाले एक उपभोक्ता को कर्मठ जलदाय विभाग ने 1,17,180 रूपये का पहला बिल भेजा तो बिल देखकर उपभोक्ता गश खा गया। हाथ में बिल लेकर साइकिल दौड़ाता हुआ उपभोक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां स्वामी ने उस संवाददाता को अपनी व्यथा सुनाई। मैं दिल्ली गेट स्वामी सर्वानंद मोहल्ले में रहता हूं और मैंने दिसंबर 2015 में एक जलदाय विभाग से घरेलू पानी का कनेक्शन लिया था, उसका मुझे 4 माह का बिल कल दिया गया, जिसकी राशि देखकर मेरे को चक्कर आ गया था। 1,17,718 रूपए 4 माह का बिल दिया गया है। अब मैं गरीब आदमी, मैं इसको कहाँ से चुका पाऊंगा, और राशि निकलने के बाद और इसको और बढ़ा दिया गया है 1,28,898 रूपए। ये साहब पहला बिल है मेरा, इससे पहले कोई बिल ही नहीं आया मेरे पास। दिसंबर 2015 में मैंने कनेक्शन लिया है, तो अब आप हिसाब लगा लो, ये 4 माह का बिल है पहला बिल। इसके बाद उपभोक्ता जलालुद्दीन स्वामी न्यूज संवाददाता के साथ फवारा सर्किल स्थित जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचा, जहां अधिशासी अभियंता एसएल जिनगर के समक्ष जलालुद्दीन ने उनके विभाग द्वारा भेजा गया बिल पेश किया। जिनगर ने तत्काल बिल में छपी विभागीय त्रुटि को दुरुस्त करते हुए बिल में संशोधन कर दिया। अब जलालुद्दीन का पानी का बिल 4 महीने का मात्र 360 रूपये हो गया और जलालुद्दीन ने राहत की सांस ली। बिल में कोई मिसप्रिंट गलती की वजह से उनके अमाउंट वाले कॉलम में रीडिंग लिख दी गई थी, वो त्रुटि है, उसको अभी आत्मात हम रेक्टिफाई करवा रहे हैं और आत्मात बिल जमा करके और उपभोक्ता को संतुष्ट करके भेजेंगे। इसका जो ठेकेदार है जिससे हम बिल बनवाते हैं उसको भी मैं पाबंद कर रहा हूँ, अभी आत्मात फोन कर रहा हूँ और लेटर भी लिखूंगा, और इस गलती का उसको जो नियमानुसार दंड देना वो भी दूंगा। वहीं जयपुर रोड पर महीनों से बर्बाद हो रहे पानी की ओर देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। आसपास के लोगों का आरोप है कि जयपुर रोड पर सोफिया कॉलेज के पास जमीन से गुजर रही पानी की पाइपलाइन कई महीनों से क्षतिग्रस्त है, जिससे पेयजल सप्लाई के वक्त तेज धार में पानी बहता है। पेयजल सप्लाई बंद होते ही पानी का बहना भी बंद हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया पिछले कई महीनों से यूं ही जारी है। कई बार जलदाय कार्यालय को शिकायत दी गई लेकिन किसी भी अधिकारी ने बर्बाद हो रहे पानी को रोकने की कोशिश नहीं की। करीब करीब 1.5-2 महीने से पानी फैल रहा है, हमने 2-3 दफे कंप्लेंट भी करी, इस ऑफिस में करी, एक फुहारे चौराहे पे भी करी, कोई सुनता नहीं है। अभी नल आता है उससे इससे भी ज्यादा स्पीड से बहता है, फिर पानी फैलता रहता है, कई 2-3 घंटे पानी फैलता है। कितने बजे सुबह के टाइम ज्यादा पानी फैलता है जब नल आता है, पीने का पानी है ये। पानी की तो वैसे ही बहुत दिक्कत है जगह जगह, और यहाँ पे पानी फैलता रहता है, सावित्री चौराहे पे भी, वॉल पे काफी पानी फैलता रहता है, नाले में जाता रहता है।
कोई ध्यान देता नहीं है, जगह जगह पाइपलाइनें टूटी फूटी रहती हैं, कोई ध्यान देता नहीं है प्रशासन। हाँ हाँ, गर्मी भी है, जगह जगह गाँवों में भी दिक्कत है, सब जगह दिक्कत है पानी की, और यहाँ लोग ऐसे नालियों में गटरों में सब जगह पानी बहाते रहते हैं, कोई सिस्टम नहीं है इधर। भैया यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ पानी की पाइपलाइन मेन पाइपलाइन है जो लीकेज है, यहाँ 3 महीने से प्रॉब्लम आ रही है। हमने ऑफिस में जल विभाग में भी जाके कंप्लेन करवाई है, 2-3 एप्लीकेशन दे दिए मगर कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ राजस्थान में कह रहे हैं कि पानी का जल सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, टैंकों पे ताले लगा दिए, आज के न्यूज़पेपर में भी ये दिखाया गया है, बट इस साइड कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेन रोड है, हाईवे रोड है।